नमस्कार, मेरा नाम रविकांत और सब देख रहे हैं बोलता खगड़िया। नव नियुक्त अध्यापकों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित। 1440 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र किया गया वितरण। आपको बता दें कि यह तस्वीर खगड़िया के JNKT स्टेडियम की है, जहां जिले के 1440 शिक्षकों को आपंधिक नियुक्ति पत्र वितरण किया गया जिला प्रशासन के समक्ष। आपको बता दें कि पटना के गांधी मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम की तर्ज पर जिले में भी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित सभी आगंतुक लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर कमलों द्वारा शिक्षक भर्ती 2023 के द्वितीय चरण में चयनित शिक्षकों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के प्रशासन से जुड़े रहे। वहीं खगड़िया के जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे उन नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं औपबंधिक, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। इसके साथ ही साथ नियुक्ति पत्र पाने के बाद जो शिक्षक हैं फूले नहीं समा रहे हैं खुशी से। यूं मान लीजिए कि उनके लिए आज पूरी दुनिया की खुशी लौट आई है। पत्र प्राप्त करते हुए आपकी जोरदार तालियां, प्रेरणा। परम आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के करकमल से प्रेरणा औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त कर बहुत ज्यादा खुश हूँ। सबसे पहले थैंक यू गॉड एंड पेरेंट्स हमारे, और ऑब्वियसली बिग थैंक यू फॉर हमारी बिहार गवर्नमेंट। उनका बहुत बड़ा, उनके सपोर्ट की वजह से ही आज हम यहाँ हैं। और हमारा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, हमारा रिजल्ट अच्छा हुआ, और इतनी फास्ट हमारी जो है सो ज्वाइनिंग हो गई, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और क्या नाम है आपका? जी मैं अंकिता। कितना खुश है आप लोग? बहुत स्वाभाविक सी बात है कि अच्छी नौकरी मिली है, बहुत दिनों से इसका इंतजार था हम लोगों को। अच्छा, क्या जिस तरीके से तेजस्वी जी का जो संबोधन था कि जो है तलवार चाहिए या कलम चाहिए, कलम चाहिए, हम लोग की धरती से बिलोंग करते हैं, ठीक है, दिनकर की धरती से हम लोग बिलोंग करते हैं। और तभी खगड़िया भी मुंगेर जिला में ही आता था, तो हम लोग सब एक ही हैं, बेगूसराय हो या खगड़िया हो, सब एक ही है। और 11-12 का टीचर बन के अच्छा लग रहा है, नियोजन के दंश से मुक्ति मिली है। क्या नाम हुआ? पल्लवी कुमारी। बहुत बहुत ज्यादा खुश है हम लोग, पूरा खुश है। हाँ, क्या कुछ कहेंगे सरकार को? यही कि बिहार सरकार को हम लोग बहुत धन्यवाद देना चाह रहे हैं, उन्हीं वजह से हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिला है, तो ये अभी हाथ में आप देख रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? नंदिनी। कहाँ के रहने वाले? बेगूसराय। बेगूसराय की है, खगड़िया में ड्यूटी का करना होगा। अब आप बीपीएससी वाली हो गए, कितना खुश है? बहुत खुश हूँ, क्योंकि नियोजित टीचर का उसको लोग है दृष्टि से देखते हैं। अब टैग लग गया बीपीएससी के टीचर हूँ, अब मुझे पहले से ज्यादा इज्जत सम्मान सब मिलेगा। सरकार को क्या कुछ? सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत कम समय में, बहुत जल्दी वो बहुत कम समय में एग्जाम ली, रिजल्ट ली, विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना कम समय में इतना जल्दी हो गया। क्या नाम है आपका? डॉली कुमारी। कितना खुश है आज? बहुत ज्यादा। क्या कुछ कहेंगे सरकार को लेकर के? सरकार को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग के कारण ही हम महिलाओं का इतना विकास हो पाया है। और आज जिस तरीके से तेजस्वी जी ने जो संबोधन दिया, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने उनके संबोधन में क्या कुछ जो है कहेंगे उनके संबोधन को लेकर के? अभी तो खुशी इतनी ज्यादा है कि मैं सिर्फ आभार व्यक्त करना चाहूंगी, और मैं आग्रह करूंगी कि महिलाओं और बालिकाओं के विकास के लिए मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी इसी तरह से कार्य करते रहे। क्या नाम हुआ आपका? प्रेरणा। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? बहुत खुश दिख रही है। 12 साल के मेहनत के बाद हम लोग आज ये सुनहरा दिन आया है। 12 साल का मेहनत का आज ना, क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार? अपना सारा जो भी मेहनत किया सब में मेरे पति का बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए आज मैं सब कुछ इसके लिए समर्पित करना चाहूंगी। इस सफलता को लेकर के क्या कुछ कहेंगे बताइए? बहुत खुश है, और धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं नीतीश कुमार माननीय बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री का, जो है जिसके चलते आज हम जो है एक मतलब अपने जिंदगी के नए मतलब आयाम पर अग्रसर हो गए थे, इसके लिए धन्यवाद को फिर से पुनः एकदम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रहलाद। कहाँ के रहने वाले हैं प्रहलाद? झारखंड से। मेरा वाइफ बिहार से है, मतलब बिहार की बेटी को आरक्षण का लाभ देने के चलते माननीय मुख्यमंत्री के चलते बहुत ज्यादा मतलब उसके प्रति कृतज्ञ मतलब समर्पित करते हैं।